हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के सभी कृषि विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। और अब अपन चलने वाले हैं पशु स्वास्थ्य के ऊपर, एनिमल हेल्थ के ऊपर। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, पेन कॉपी साथ ले लीजिए। अब आपको मैं बता दूं कि सुपरवाइजर के एग्जाम से पहले पहले एक बार ये कोर्स आपका मैं पूरा करवा दूंगा। कुछ ही दिनों के अंदर, अभी 5 दिन के अंदर ये एनिमल पूरे होने के बाद में बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार हमारे को क्रॉप करवा दो, क्योंकि 32-33 के लगभग क्रोप है वो उनकी बाकी बड़े बोल सर वो हमारे को थोड़ा याद कम हो रहा है। इसलिए ये 5-6 दिन के अंदर एनिमल को पूरी करके फिर अपन लोग ना क्रोप पढ़ेंगे, ताकि जब 8 अगस्त को एग्जाम जेट वालों की होगी तब उनके फ़ायदा हो जाए और आप लोगों को क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। वैसे काफ़ी बच्चों ने एनिमल की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरे साथ रिविज़न कर लें, ठीक है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग याद, अच्छी बात है, नहीं याद है तो मेरे साथ आप रिविज़न करें। और जो आपने कहा क्रोप के लिए, तो वो क्रोप वाला है ना, मैं ये पूरा करने के बाद में एग्रोनॉमी में सबसे पहले अपन क्रोप ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोप आपकी जल्दी से क्लियर करवा दूंगा, ताकि जेट में सुपरवाइजर में उनके अंदर आपको वो अच्छे से काम आ जाए। तो अभी चल रहे हैं एनिमल हेल्थ पर। नोट भी नहीं कर रहे हो तो साथ साथ आप लोग याद कर लो, ठीक है। याद होता रहेगा, रिविजन होता रहेगा, तो आपका अच्छे से क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे। तो चलते हैं एनिमल हेल्थ के ऊपर, पशु स्वास्थ्य के ऊपर। तो सबसे पहली बात कि स्वस्थ पशु क्या होता है। अगर आपसे बोल दे कि स्वस्थ पशु क्या होता है, तब आप क्या बताओगे कि स्वस्थ पशु क्या होता है, तब आप क्या बताओगे कि पशु की वह अवस्था जिसमें पशु की नाड़ी गति, कौन सी गति, नाड़ी गति, श्वसन गति और उसका तापमान संतुलन में बना रहे तो वो क्या कहलाएगा भाई, अरे वो क्या कहलाएगा, स्वस्थ पशु कहलाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही से, अब परिभाषा आदमी जरूरत नहीं है, आप ये समझ लो कि स्वस्थ पशु होता क्या है, तब आप क्या बताओगे कि पशु की वह अवस्था जिसमें पशु की नाड़ी गति, तापमान, श्वसन गति संतुलन में रहे, तो वो क्या कहलाएगा, स्वस्थ पशु कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर आपसे बोले कि फिर अच्छा चलो ये तो स्वस्थ हो गया, फिर रोगी क्या होता है, रोगी पशु क्या होता है। तो अब इसका सीधा सा है कि पशु की वह अवस्था जिसमें वह स्वस्थ दशा से विचलित हो जाए तो वो पशु क्या होगा भाई, रोगी पशु होगा। तो आपसे अब बोल दे कोई, है ना, कि पशु की वह अवस्था जिसके अंदर पशु अपनी स्वस्थ दशा से अगर विचलित हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो रोगी पशु कहलाता है भाई। उसकी नाड़ी गति, श्वसन गति, तापमान में संतुलन ना रहे, कम ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रोगी पशु कहलाएगा। तो दो बातें, स्वस्थ पशु और रोगी पशु। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब आप लोग स्वस्थ पशु की और रोगी पशु की पहचान कैसे करोगे, ठीक है, स्वस्थ की और रोगी पशु की पहचान कैसे करोगे। ये अच्छा बात है कि भाई स्वस्थ कौन सा है और रोगी कौन सा है, ठीक है, स्वस्थ कौन सा है और रोगी कौन सा है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर की बात है कि आप लोग कैसे मालूम कर लो कि वो स्वस्थ है या रोगु है, तो इसके बारे में सामान्य दशा देखकर, ठीक है, एक अच्छा पशुपालक सामान्य दशा देखकर स्वस्थ और रोगी पशु का अंदाजा लगा लेता है। एक अच्छा पशुपालक सामान्य पशु है या नहीं है, वो रोगी है या नहीं है, उसको देखकर ही उसका पता लगा लेता है। वो कैसे, जैसे जो स्वस्थ पशु होता है, ठीक है, उसका स्वभाव क्या रहेगा भाई, जैसे रोज रहता है वैसे क्या रहेगा, स्वभाव सामान्य रहेगा। अगर वही जानवर रोगी हो जाता है तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा भाई, भिन्न हो जाएगा। अब ये तो सरल सी बातें हैं, ये तो आपको आनी चाहिए कि भाई स्वस्थ का
स्वभाव जो होता है, हैबिट है, वो रोज़ की तरह सामान्य होगी। जिस दिन रोग हो जाएगा उस दिन वो उसका स्वभाव भिन्न अलग से वो प्रतीत होने लग जाएगा। दूसरी बात, चारा चारा खाना और जुगाली करना। अरे जुगाली जान गए क्या? जुगाली, अरे जुगाली समझ गए क्या? अच्छे स्वस्थ पशु एक दिन में 10-12 घंटे चारा खाते हैं, 8-10 घंटे तो चारा ही खाते हैं, और 6 घंटे फिर क्या करते हैं, वो जुगाली करते हैं। तो जुगाली करना ये सब क्या होता है भाई? सामान्य होता है। इसमें ये सारे क्या हो जाएंगे? असामान्य हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो स्वस्थ पशु जब रोगी हो जाता है, तो उस समय उसकी उसका चारा खाना वो कम कर देता है या बंद कर देता है, जुगाली करना कम कर देता है या बंद कर देता है। ये बिल्कुल ही क्रिया सामान्य नहीं होती। तीसरी बात देखिए कि स्वस्थ मोर क्या होता है, तो दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन क्या होता है? सामान्य होता है। ये भी सामान्य सी बात है कि भाई अच्छा पशु है, अच्छी तरीके से देगा। अब दूध का उत्पादन या तो कम हो जाता है, या वो पशु क्या कर देता है, देना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है। भाई जब रोग होगा तो या तो वो दूध देगा ही नहीं, या वो क्या कर देगा, कम कर देगा। फिर अगली बात कि और क्या लक्षण प्रतीत होते हैं, तो देखना, आंखें आंखें चमकीली होगी। क्या होगी? आंखें चमकीली होगी। और इनकी आंखें क्या हो जाएगी रोगी वालों की? इनकी आगे सुस्त हो जाएगी। और आंखों से क्या बहेगा? पानी बहेगा भाई। ठीक है, आंखों से पानी बहेगा। फिर अगली बात, 5 नंबर पे अगला देखना, पशु का तापमान, पशु का तापमान सामान्य होता है। पशु का तापमान सामान्य होता है। इसके अंदर तापमान कम हो जाता है या तापमान बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनको आप उनसे पता लगा सकते हो। जैसे मान लो कि सामान्य पशु होता है, उसके शरीर में भोजन का पाचन सही तरीके से होता है, और रोगी हो जाने पर उसके शरीर में भोजन का पाचन नहीं होता। सामान्य पशु के नाक से किसी भी प्रकार का द्रव पदार्थ या मुंह से कोई लार नहीं गिरती, रोगी पशु हो जाने पर नाक से द्रव पदार्थ गिरता है और उसके बुखार वगैरह चढ़ जाती है, मुंह से लार टपकती है। ये कुछ लक्षण है जिनको सामान्य को आप देखकर उनका स्वस्थ होना या उनका रोगी होना उसके बारे में आप पता लगा सकते हो। त्वचा को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर इनसे मालूम चल जाएगा। लेकिन जो अपने एग्जाम में काम आने वाला है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा है, तो वो देखिए। तो पहला तरीका था सामान्य दशा देखकर, दूसरा तरीका है तापमान देखकर। क्या देखकर? तापमान देखकर। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए मुख्य पॉइंट आ गया है। यहाँ से क्वेश्चन जेट आईसीआर बीएचयू सुपरवाइजर ने पूछा जाता है, और इसे मैं आप लोगों को अभी तुरंत याद करवा दूंगा। आप इनको मेरे साथ में याद कर लेना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, तापमान देखकर उम्र का पता कैसे लगाए। तो सबसे पहले व्यक्ति को या पशुपालक को यह जानकारी होनी चाहिए कि पशुओं का तापमान कितना होता है। भाई तापमान क्या है, कितना होता है, तापमान कैसे मापा जाता है। ठीक है, इन बातों का तो उदाहरण होना ही चाहिए कि भाई तापमान कैसे मापते हैं। अच्छा माप ले, फिर यही पता ना हो कि किसी जानवर का तापमान कितना है, तो फिर वो कैसे काम कर पाएगा। तो सबसे पहले तापमान को मापे कैसे, तो मापने के लिए अपने पास में एक मीटर आता है जिसका नाम है थर्मामीटर। तापमान मापने का यंत्र जिसका क्या नाम है? थर्मामीटर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? ताप मापी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? ताप मापी। शायद ये बात तो सबको आती है, ताप मापी कैसा होता है भाई? ताप मापी कुछ इस प्रकार का होता है, ताप मापी कुछ इस प्रकार का होता है। इसे बोलते हैं, ये कांच का बना हुआ रहता है। किसका भाई? कांच की प्रकनली होती है ताप मापी। तो पहला क्वेश्चन, ताप मापी किसका होता है? ये कांच का बना होता है, ये कांच की एक प्रकनली होती है, ये बता दोगे। दूसरी बात, इस वाला जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, नीचे वाला कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, इस भाग को बल्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है। इसके अंदर क्या भरा होता है भाई? Hg, जिसे आप लोग पारा बोलते हो। क्या बोलते हो? मरकरी। Hg पारा भरा होता है। ठीक है, ये तो आपको आ गया होगा। फिर अगली बात, इसमें यहाँ पर क्या होते हैं भाई? जीव
डिग्री सेंटीग्रेड में, भाई डिग्री सेंटीग्रेड में या बड़े वाले फॉरनाइट के अंदर क्या होता है, अंक लिखे हुए रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, ऐसे वहाँ पर लिखा हुआ होता है। तब फिर क्या करते हैं, तापमान कैसे मापें? तो पहली बात तो ये है ध्यान में रखना कि कोई भी रेस का घोड़ा जो रेस करके आया है, भाग कर आया है, उसे कम से कम तापमान को नियंत्रण में लेने में कम से कम 2 घंटे लग जाता है, इसलिए तो उसका ध्यान रखना। या कोई जानवर दूर से चलकर आया है, या कोई कठोर काम करके आया है, या कठोर परिश्रम करके आया है, उसका भी ध्यान रखना कि आधा या 1 घंटा उन्हें छाया में आराम करवाने के बाद आप उनका तापमान मापो। कभी ये ना हो जाए कि कोई कठिन परिश्रम करके, कोई बैल या कोई सांड या कोई गाय भैंस आए हैं कठिन परिश्रम करके और आपने आते ही उनका तापमान माप लिया, तो आपको बता दें कि बेचारों का 2 से 3 डिग्री तो ऐसे ही बढ़ जाता है। अरे चल कर आने में तापमान तो बढ़ता ही है, अब रेस के घोड़े भाग कर आएंगे तापमान तो बढ़ता ही है ना, तो 2 घंटे तक घोड़े को और आधा से 1 घंटे तक गाय भैंस भेड़ बकरियों को आराम करवा के फिर आप उनका क्या मापें, तापमान मापें। अब सबसे पहले इस कांच के प्लग में जो थर्मामीटर दिख रखा है ना, आप लोग इसे पकड़ना इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से पकड़ना और पकड़कर हाथ से 1 या 2 बार हल्के से क्या देना, झटका देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से पकड़ना और हाथ से 1 या 2 बार हल्के से देना, हल्के से हल्का बोल रहा हूँ मैं। नहीं कईयों का हाथ भारी पड़ता है, वो एक अलग बात है, कभी भारी हाथ पड़े बल्ब कहाँ निकल जाए। एक बात ध्यान रखना, बल्ब को पकड़ कर कभी भी झटका मत देना, ऐसे कभी आप बल्ब को पकड़ लो भाई ये अंगूठ में अच्छी तरीके से आएगा, यहाँ से पकड़ झटका दो तो बल्ब तो आ जाएगा हाथ में और थर्मामीटर जाएगा आगे की ओर। इसलिए इस तरफ से पकड़ कर हाथ से 1 या 2 बार हल्का झटका दे, उसके बाद में आप लोग क्या करें। तो सबसे पहले आप तापमान कैसे मापो, तो तापमान कहाँ से मापा जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रेक्टम, पशुओं में तापमान रेक्टम जिसे मलाशय कहा जाता है ना, जिसे आप लोग समझ गए होंगे गुदा मार्ग, ठीक है, गोबर मार्ग या गुदा मार्ग है ना ये वाला, तो यहाँ से तापमान मापा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कि पशुओं में तापमान कहाँ से मापा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि रेक्टम से, मलाशय से, गुदा मार्ग से तापमान को मापा जाता है, यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात, अगर ये संभव ना हो, किसी भी कारणवश अगर रेक्टम मार्ग से आप लोग तापमान नहीं ज्ञात कर पाओ, या मान लो कि किसी भी मतलब वहाँ दर्द हो या फुंसिया हो या वहाँ एलर्जी हो या वहाँ पे घाव हो, अगर आप लोग इस मार्ग से नहीं माप पाते हो, तब आप लोग वेजाइना योनि मार्ग से, इस मार्ग से फिर आप लोग योनि मार्ग से माप सकते हो, लेकिन पहले आप लोग यहीं से माप लेना, और ये संभव ना हो तो फिर आप लोग योनि मार्ग से तापमान माप लेना। फिर एक बात और बता दूँ मैं आप लोगों को कि तापमान मापने के लिए आप लोगों को थर्मामीटर सही तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो कैसे कि आप लोगों को ये वाला सिरा, ये जो बल्ब वाला सिरा दिख रहा है ना, ये सिरा पशुओं के रेक्टम मार्ग में डालना है, और बल्ब ही नहीं आधा, यहाँ आधे तक डालना है भाई, आधे तक रेक्टम मार्ग में डालना है, और 1 से लेकर 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट तक आप लोगों को इसे रेक्टम मार्ग में रखना है। दूसरा बता दूं, इस बल्ब को रेक्टम मार्ग की, जो रेक्टम मार्ग है उसकी स्लेश्मा झिल्ली के लगाना है, ये भी ध्यान रखना, इसका जरूर ध्यान रखना भाई, कि अगर आपको किसी जानवर का सही और निश्चित तापमान लेना है तो रेक्टम मार्ग में, मलाशय मार्ग में स्लेश्मा झिल्ली के उसे टच करना होगा, इस झिल्ली के स्लेश्मा झिल्ली के जरूर टच करना पड़ेगा, इस बात का जरूर ध्यान दे, इस झिल्ली का जरूर ध्यान देना, इसके टच नहीं हुआ तो आपका सही तापमान नहीं आएगा। तो अब ये चीज़ तो आपको मालूम चल गई कहाँ से मापेंगे और किस झिल्ली से मापेंगे, इसे लगाकर 1 से 1.5 मिनट तक आप लोग छोड़ देना और फिर इसे बाहर निकालना और आँख के सामने सीधा करके देखना कि ये पारा कहाँ तक ऊपर चढ़ गया, ये पारा कहाँ तक ऊपर चढ़ा है, इसे आंख के सामने लेकर तापमान माप लेना। और जब आप तापमान मापो तो आपके पास में क्या तापमान आने वाला है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग इम्पोर्टेंट लगा कर नोट कर लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको याद करनी है। तो सबसे पहले कि तापमान कितना आना चाहिए और जानवरों का तापमान कितना आता है उसकी मैं बात आप लोग को बताने वाला हूँ, तो वो देखना। तो मैं लिख रहा हूँ एक तरफ तो पशु का नाम,
एक तरफ तो पशु का नाम और एक तरफ उनका तापमान टेम्परेचर ये कितना होता है वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करना है। डेट आश्चर्य बी एच यू और सुपरवाइजर के बच्चे ध्यान देना, आप लोगों को ये याद करना है भाई। तो एक तरफ पशु का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले बता रहा हूँ भैंस के बारे में, पशु का नाम भैंस है भाई, क्या नाम है, भैंस नाम है पशु का। इसका तापमान होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना भाई 37 पॉइंट, जब आप मापोगे ना उससे तो तापमान आएगा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बार बार तो बताने वाला हूँ नहीं, आप लोग इसे याद कर लेना भाई, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैं आपको तापमान अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी तो आपको ये दिख के याद हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कुछ समय के बाद में ये आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए दिमाग पर जोर डाल के कर लो। मैं लाइन से पढ़ाऊँगा, भैंस का तापमान बताओ भाई 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.5 डिग्री फॉरेनहाइट, कितना भाई 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.5 डिग्री फॉरेनहाइट, यह आएगा भैंस का तापमान, ये एक नंबर भाई। अब है दो नंबर पे गाय, अब दो नंबर पे है गाय, दो नंबर पे क्या आई है भाई, गाय आई है। गाय का कितना तापमान होता है तो वो देखिए, भैंस से एक डिग्री ज्यादा, ये मुझे पता है ये आप लोगों को याद है, तापमान आप लोगों को सबको याद है, लेकिन जैसे आप एग्जाम बैठोगे ना उस समय आपको याद नहीं आएगा, इसलिए लाइन से याद करो कि भैंस का कितना बताया 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अब गाय का कितना है एक डिग्री ज्यादा, मतलब 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ कुछ किताबों के अंदर गाय भैंस का एक ही दे रखा है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन भैंस का थोड़ा कम होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और गाय का 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 101 डिग्री फॉरेनहाइट, कितना भाई। जब भी तापमान पूछेंगे तो आप देना, देखो लगभग में आ जाता तापमान लगभग में भी आ जाता है, तब आप लोग अंदाजा लगाना कि कहां से निकाल के लाओगे, और आजकल तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में ना पूछ कर डिग्री फॉरेनहाइट में पूछा जाता है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में कम पूछते हैं और फॉरेनहाइट में ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए गाय का 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 101 डिग्री फॉरेनहाइट। अब देखो चार नंबर पे, तीन नंबर अब बताता हूँ मैं आपको, घोड़े का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 101 डिग्री फॉरेनहाइट, घोड़े का 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 101 डिग्री फॉरेनहाइट। फिर है पांच नंबर, अब ये देखना आपका भेड़, कौन सा जानवर, भेड़ का होता है 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना भाई 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 डिग्री फॉरेनहाइट, 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 डिग्री फॉरेनहाइट। अब है चार पांच नंबर देखिए, अब तो गाय भैंस घोड़े तक हो गया, अब देखना बकरी का, इसका भैया बकरी का तापमान तो ये होता है 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 या 103 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है 103 डिग्री फॉरेनहाइट या 102.5 डिग्री फॉरेनहाइट। मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, फिर वरना बाद में से करोगे भाई 102.5 था कि 4 था, ये लगभग यहीं से पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। तो बकरी का 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 103 डिग्री फॉरेनहाइट। फिर छः नंबर अब बताने जा रहा हूँ सुअर का, इसका तापमान, सुअर का तापमान 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 103 डिग्री फॉरेनहाइट, 103 डिग्री फॉरेनहाइट 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 103 डिग्री फॉरेनहाइट। फिर देखिए सात नंबर पे मुर्गी का तापमान जो गाय भैंस गाय घोड़ा भेड़ बकरी सुअर मुर्गी का होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 41 डिग्री सेंटीग्रेड या 106 डिग्री फॉरेनहाइट,
106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि मुर्गी के शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और वहाँ लिखा हो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब आप सोचो कि सर ने तो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया था। आप सोचोगे ना कि भाई सर, आपको तो याद ही आएगा कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया था, तो आपको बता दूं मैं कि ऑप्शन हमेशा लगभग में आता है। करेक्ट तो सबको याद होता है, लेकिन उसके आसपास अगर पूछे तब जाके गड़बड़ जाती है। अब बताओ कि 107 का ऑप्शन आया, 104 का आया, 110 का आया और 103 का आया, तो आप 104 तो नहीं करोगे ना, 104 तो नहीं करोगे ना, आप लोग कम तो नहीं करोगे ना, कितना करोगे? 6 के पास का 7 है, इसमें 6 के पास 5 फिर 4 फिर दूर है, तो पास का कौन सा है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बताना है। फिर देखिए ऊँट का, देखिए भाई ऊँट, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऊँट अपने तापमान को अपने कूबड़ से नियंत्रित करके रखता है, वह अन्य पशुओं की तरह नहीं है, वो दिन की गर्मी में धीरे धीरे गर्म होता है और फिर धीरे धीरे तापमान क्या करता है, वो अपना सेट कर लेता है। तो अपन लोग भी मामला सेट कर देते हैं ऊँट के अंदर। ऊँट के अंदर तापमान देखना, सुबह के 6 बजे, कितने बजे? सुबह के 6 बजे तापमान होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब शाम के 6 PM होते हैं, मतलब थोड़ा शाम को, तो तापमान बढ़ जाता है, थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है और वो चल जाता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मामला सेट, अरे मामला सेट है के भाई, सेट है तो उतार लो, ये आपका तापमान का मामला सेट हो गया है भाई। और जिस जिसका सेट हो गया वो उतार लो, और जो जो उतार लिए वो याद कर लो, और जो रिवीजन कुछ अच्छा भी है जो तैयार करके रेडी है एकदम अप टू डेट, तो वो वाले बच्चे क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट मार लो ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तब निकाल के देख लो। मुझे पता है सामने है तब तक याद है, और जब मैं यहाँ से हटा, तुम यहाँ से हटे, फिर आप ही भूल जाओगे। तो जल्दी से आप लोग एक बार इसको याद कर लें, भैंस, गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, ऊँट, ठीक है? फिर मैं चलता हूँ आगे की ओर, नेक्स्ट पॉइंट पे। तापमान हो गया, अब देखना पशुओं की नाड़ी गति देखकर, पशुओं की नाड़ी गति देखकर उनका बारे में पता लगाना कि वो स्वस्थ है या रोगी, वो स्वस्थ है या रोगी। तो नाड़ी गति की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लो कि नाड़ी गति ज्ञात कैसे करें भाई, नाड़ी गति ज्ञात कैसे करें ये जान लो। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बता दूं कि गाय के अंदर, इसमें गाय में, भैंस में, इनमें नाड़ी गति कैसे ज्ञात करें, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो भैंस का पीछे वाला भाग है और ये यहाँ पे भैंस की पूंछ यहाँ से जुड़ रखी है, ठीक है, यहाँ से पूंछ जुड़ रखी है और यहाँ इसका रेक्टम मार्ग है। तो रेक्टम मार्ग और पूंछ के ये वाला भाग जो होता है, रेक्टम मार्ग और पूंछ के जो ये वाला भाग होता है, यहाँ पर ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ पर एक धमनी होती है जिसका नाम है कोक्सीजियल धमनी। कौन सी धमनी? कोक्सीजियल धमनी, ठीक है भाई, मामला सेट। गाय भैंस में पूछ लेंगे, गाय भैंस में नाड़ी गति ज्ञात करने वाले धमनी का नाम कोक्सीजियल धमनी, जो पूंछ के अदर भाग के पास में पाई जाती है। उसे आप लोग हाथ से टच करके इसकी संप्रियता, इसके रिदम को आप लोग सुन सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिससे आपको उनके मालूम चल जाए। आपको बता दें कि ऐसे मालूम करना पड़ेगा, ये नाड़ी गति हार्ट बीट को दर्शाती है, जितनी बार नाड़ी गति उतनी बार हार्ट, जिससे बालों की, अब आपको मालूम चल जाए कि अपना हार्ट बेहतर बात रखता है तो अपन स्वस्थ है ना, कम ज़्यादा हो जाए तो कुछ गड़बड़, ऐसे ही इनमें मालूम चल जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात, अगर भेड़ बकरियां है तो इनमें यहाँ से मालूम नहीं चलेगा, इनमें चलेगा टांग के बीच में, कहाँ पर? टांग के बीच में, ठीक बीच में पाई जाने वाली, ठीक बीच में पाए जाने वाली एक ग्रंथि है, एक धमनी है, धमनी जिसका नाम है फेमोरल धमनी। कौन सी धमनी? फेमोरल धमनी। इस धमनी से आप लोगों को मालूम चल जाएगा इसकी नाड़ी गति के बारे में। पूछ लेंगे भेड़ बकरियों में नाड़ी गति मापने की कौन सी धमनी है? फेमोरल धमनी। अगर बात करें घोड़े की, इसकी बात करें भाई, घोड़े की बात करें तो घोड़े में
फेस के ऊपर मतलब चेहरे के ऊपर एक धमनी पाई जाती है यहाँ ठीक बीच में, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है फेसियल धमनी। क्या नाम होता है? फेसियल धमनी। तो इससे घोड़े के अंदर नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि गाय भैंस में कॉक्सियल धमनी और भेड़ बकरी में टांग के बीच में पाए जाने वाली धमनी जिसका नाम है फेमोरल धमनी, और घोड़े के अंदर फेस में पाए जाने वाली फेसियल धमनी। और सुअर की बात करूं तो सुअर के अंदर बड़ी मुश्किल से नाड़ी गति ज्ञात हो पाती है। हर कोई इंसान नहीं ज्ञात कर सकता, कोई जानकार, कोई साइंटिस्ट, कोई उनका वैज्ञानिक, वो जो उनके बारे में जानकार रखता हो वो उनकी नाड़ी गति ज्ञात कर सकता है। आप पढ़ेंगे कि नाड़ी गति कितनी थी होती है भाई, नाड़ी गति कितनी थी होती है। तो उनकी बात करें तो सबसे पहले वो ही बात दोबारा सामने बढ़ा लो, जल्दी से दोबारा सामने बढ़ा लो। एक तरफ पशु का नाम और एक तरफ नाड़ी गति, नाड़ी गति वो होती है पर मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार नाड़ी गति चलेगी, पशु का नाम और एक तरफ नाड़ी गति। अब इसे मैं भी लाइन से याद करवाऊंगा, वैसे वैसे आप लोग याद करते रहना। तो सबसे पहले चलने वाले नाड़ी गतियों पर पहले बात करेंगे। गाय की नाड़ी गति 40 से 50 पर मिनट, कितनी होती है 40 से 50 पर मिनट। फिर बात करेंगे भैंस की, थोड़ी सी कम, 5 कम, 40 से 45, कितनी भैया 40 से 45 नाड़ी गति पर मिनट। फिर बात करेंगे भेड़ की, कि भेड़ की नाड़ी गति कितनी होती है, तो वो होती है 70 से 80। मैं बता दूं, मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप भी फास्ट चलो, क्योंकि अब 8 तारीख और अपना सुपरवाइजर की एग्जाम, तो उनके लिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, कोर्स जल्दी से करवाना है, इसलिए फटाफट लिखते रहो और समझते भी रहो कि गाय की 40 से 50 और भैंस की 40 से 45, कोई दिक्कत नहीं। भेड़ की 70 से 80 और बकरी, फिर बकरी की भी 70 से 80, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, 70 से 80। अरे मामला सेठ, गाय की 40 से 50, भैंस की 40 से 50, भेड़ की 70 से 80 और बकरी की भी 70 से 80। फिर बात करें सुअर की, बात करें सुअर में कितनी होती है, तो सुअर में होती है 60 से 80, कितनी भैया 60 से 80 सुअर की नाड़ी गति पर मिनट। यहाँ तक याद। फिर बात करें अगली, गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर। फिर बात करेंगे अपन ऊँट की, बात करेंगे ऊँट की, बात करेंगे तो ऊँट की होती है 28 से 32, कितनी होती है भाई 28 से 32। और घोड़े की बात करें तो 32 से 40, कितनी भैया 32 से 40। और एक अपनी बच गई अपनी लास्ट में, आपकी प्यारी सी छोटी सी, इसका नाम है हेन मुर्गी। क्या नाम है भैया? मुर्गी, मुर्गी मर्गी नहीं, मुर्गी हेन। इसमें सबसे ज्यादा 200 से 400 पर मिनट ये इसकी नाड़ी गति, तापमान भी ज्यादा, नाड़ी गति भी ज्यादा और श्वसन गति भी ज्यादा। तो फटाफट देखना, गाय 40 से 50, भैंस 40 से 50, भेड़ 70 से 80, बकरी भी 70 से 80, सुअर 60 से 80, ऊंट 28 से 32, घोड़ा 32 से 40, मुर्गी 200 से 400। 1 मिनट में इतनी बार नाड़ी गति धड़कती है, याद हो गया, मामला सेट हो गया। जिनके नहीं हुआ है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और समझ ले इसको, एग्जाम में मैं नहीं चाहता किसी का भी गलत हो जाए। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अपन दो पढ़ लिए, तापमान नाड़ी गति, अब पढ़ने वाले हैं श्वसन गति। श्वसन गति के आधार पर रोगी पशु की, स्वस्थ पशु की पहचान करना। तो सबसे पहले श्वसन गति ज्ञात कैसे करें, तो ये कुछ हार्ड काम नहीं है। श्वसन गति ज्ञात करने के लिए आप लोग दूर से बैठे हुए जानवर को देखकर, उनकी कोख आती है ना फ्लैंक, कोख फ्लैंक, उसका ऊपर उठना और नीचे जाना, उससे देखकर पता लगा सकते हो। या नथुना जो होता है, नथुने जो होते हैं ना सामने, नाक के सामने, वहां पर अपना हाथ रखकर हवा को अंदर और बाहर जाने वाला, वो देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। दूसरी बात ध्यान रखना, श्वसन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? श्वसन 3 प्रकार का। एक होता है उच्च श्वसन, कौन सा भैया? उच्च श्वसन। और एक होता है निःश्वसन। एक तो उच्च श्वसन और एक निःश्वसन।
और एक होता है विश्राम। ठीक है, ये तीन प्रकार का, उच्छ्वसन, निःश्वसन और विश्राम। उच्छ्वसन में श्वास को अंदर लेना, O2 को अंदर लेना, निःश्वसन O2 के बाद में वहां मिलने वाले CO2 को फेफड़ों से वापस बाहर निकालना, और फिर कुछ देर के लिए विश्राम करना, फिर लेना, फिर देना, फिर विश्राम, फिर लेना, फिर देना, फिर विश्राम। तो ये पता लगाओगे, आप पता कैसे लगाओगे कितनी थी आएगी, तो वो आप याद कर लो। तो एक तरफ पशु का नाम और एक तरफ वापस श्वसन गति पर मिनट, श्वसन गति पर मिनट, पशु का नाम और श्वसन गति पर मिनट है। तो सबसे पहले जो पशु का नाम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, वो देखो, वो है आपकी गाय, आपकी प्यारी सी गाय, गाय हमारी माता है। ठीक है, तो गाय में पढ़ने वाले कि गाय की नाड़ी श्वसन गति कितनी होती है, तो गाय 1 मिनट में 20 से 25 बार सांस लेती है। कितनी बार? 20 से 25 बार। अगर बात करें भैंस की, अगर बात करें भैंस की, तो 16 से 18 बार सांस लेती है। कितनी बार? 16 से 18 बार सांस लेती है। कौन? भैंस। भेड़ की बात करें तो 12 से 20 मिनट सांस, 20 बार सांस लेती है। जल्दी करो, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फटाफट पढ़ लें, जल्दी उतारो। बकरी भी 12 से 20 बार सांस लेती है। कितने मिनट में? 1 मिनट के अंदर 12 से 20 बार। ऊंट 5 से 7 बार सांस लेता है। कितनी बार? 5 से 7 बार ही सांस लेता है भैया ऊंट। फिर बात करें घोड़ा, 8 से 16 अरे सुअर, 8 से 18 बार सांस लेता है। और आपकी मुर्गी, ये भैया मुर्गी की तो सबसे ज़्यादा ही है, 15 से 30 बार सांस लेती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार ले भाई इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया होगा भाई। तो देखिए, अपन लोगों ने तापमान, नाड़ी गति, श्वसन गति ज्ञात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनके रोगों के बारे में, कुछ संसर्ग, कुछ संक्रामक रोग, कारक रोग भी। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।